नमस्कार। हमारे एक पेशेंट ने एक सवाल पूछा जो बहुत ही रेलेवेंट लगा मुझे, हालांकि एज ए सर्जन मेरे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने आ रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब देना मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर, बहुत सारे पेशेंट ये पूछना भी चाहते होंगे तो इसलिए हम ये वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। पेशेंट ने पूछा कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट आप MIS टेक्निक से कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? अब साइंटिफिकली देखा जाए तो क्वेश्चन इतना नहीं लग रहा, लेकिन अगर पेशेंट के एंगल से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने अंदर MIS टेक्निक से किया है, पेशेंट को कैसे पता चलेगा? तो सनी हमारे साथ हैं जो हमारे पेशेंट। सनी, कब हुआ था आपकी सर्जरी? मतलब आज कितने दिन हो गए? पाँच दिन हो गए। सनी आज हमारे पास 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए, ड्रेसिंग के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनकी स्टिच लाइन है जो आज हम इनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो MIS टेक्निक की जो डेफिनेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं जो MIS टेक्निक के, उसकी डेफिनेशन होती है 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर से कम इंसीजन है या 8 सेंटीमीटर तक आपका इंसीजन है तो इसका मतलब है कि आपकी सर्जरी MIS टेक्निक से हुई है। अब आपकी सर्जरी हुई है, आप सेंटीमीटर और इंचीज में कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास स्केल ना हो, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, 4 फिंगर्स। आपका इंसीजन आपकी 4 उंगलियों के बराबर होना चाहिए। यही एक स्टैंडर्ड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। MIS टेक्निक में कभी भी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा का इंसीजन नहीं लगाया जाता। हाँ, अगर पेशेंट बहुत मोटा है, 100 kg से ज़्यादा है, या आपकी रिविजन सर्जरी हो रही है तो बात अलग है। अगर आपकी प्राइमरी सर्जरी, पहली बार आपका ऑपरेशन हो रहा है और आपका ठीक ठाक वेट है, तो 4 फिंगर ब्रेथ, 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर आपका इंसीजन होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पेशेंट बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे लगता है कि और भी पेशेंट इनका जवाब जानने चाहते होंगे। दूसरा, एक और वीडियो हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, कुछ दिनों बाद, कि पेशेंट आजकल इम्प्लांट को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं और आजकल एक बहुत ही फैंसी इम्प्लांट ड्यूअल मोबिलिटी के नाम से आया है और जिसके बारे में पेशेंट सवाल पूछते हैं और वो लगवाना चाहते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे कि क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं ड्यूअल मोबिलिटी के बारे में, क्या हम इतना महंगा इम्प्लांट लगवा कर हमें कोई एडवांटेज है या कोई नुकसान तो नहीं है। तो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।